पर मैं मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब ये झंडा लेकर हम खड़े होते हैं तो हम कहीं फिर औरत होना भूल जाते हैं। ये भी एक त्रासदी है हमारी। इसी संदर्भ में हम आगे प्रेरणा जी के पास चलते हैं और पूछते हैं कि उनकी दुनिया में महिलाएं किस तरह से, किस नज़र से, किस तरीके से देखी जा रही हैं। मेरी दुनिया मतलब जर्नलिज्म, मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर इज एवरीथिंग। एवरीवेयर, यस, तो बिकॉज अब कुछ पहले तो भी मैं अपनी छूटा। टीम के बारे में बता दूँ। जी 95% ऑफ माई टीम मेंबर्स, आई विल नॉट कॉल देम रिपोर्टर्स, दे ऑल माइन, दे आर ऑल विमेन। सी, और चाहे वो रियल एस्टेट का स्टोरी हो या चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट के साथ ह्यूमन एंगल्स की स्टोरी हो, बिकॉज देर इज इमोशन इन एवरी थिंग, देर इज थिएटर इन एवरी थिंग, एंड दे ऑल सेट आउट टू एक्सप्लोर। सो आज भी आप यहाँ जिन्हें कवर करते हुए देखेंगे वो एक्चुअली इंजीनियरिंग कवर करते हैं, हायर एजुकेशन कवर करते हैं, बट दे हैव दैट सेंसिबिलिटी कि वो इतने सारे ह्यूमन आस्पेक्ट्स कवर करें। बिकॉज आई बिलीव द ब्यूटी ऑफ वुमेन इज इन बींग मल्टी फैसेटेड। वो इतना खूबसूरत पहलू है, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई ट्रांसेंड कर सकता है। एंड टॉकिंग ऑफ थिएटर पर्टिकुलरली, आई सी अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। मतलब आई ऑब्जर्व, जैसे सरताज सर सामने हैं, मैं इनके प्लेज देखती हूँ और मैंने देखा है ये सोलो एक्ट्स में ही प्रमोट्स वुमेन। एंड मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड होता है, जैसे ताल है तो एक एक गर्ल जो वूम के अंदर अपनी ताल ढूंढती है और जब उसका जीवन ख़त्म हो जाता है वो उस ताल को तब भी तलाशती है, वो इतना खूबसूरती से उन्होंने दिखाया। या आई थिंक सालेहा मैम के साथ जो उन्होंने करा एक्सपेरिमेंट, आई मीन द सीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ इट जर्मिनेट्स एंड वेयर इट जर्मिनेट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ फेमिनिज्म, आई थिंक ऐसे बहुत से सेंसिबल लोग होते हैं जो बहुत सारे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, उनके अंदर वो फेमिनिज्म होता है, वो सेंसिटिविटी होती है, दे रिस्पॉन्ड टू द वेरिएशंस इन इमोशंस एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक मेरी दुनिया में स्पेशली अगर आप जर्नलिज्म और रिपोर्टाज की बात करें तो चीज़ें ऐसी हैं कि जेंडर बायस या डिफरेंसेस ट्रांसेंड होने लगे हैं। देर इज सम काइंड ऑफ एन इल्यूजन दैट स्टिल एग्जिस्ट, बट आई थिंक वी ऑल सेट आउट टू ब्रेक ऑल द बैस्टियंस इन लाइफ। ये मेल बैस्टियंस भी हमारे बनाए हुए हैं और फेमिनिज्म भी हमारा क्रिएट किया, हमारा क्रिएट करा। हम इक्वल मानते क्यों नहीं है, हम इक्वल हैं, व्हाई डू वी डिमांड इक्वालिटी, वी आर इक्वल्स। मतलब आप और मैं अलग नहीं है, मैं और ये हम मानते जरूर हैं, हम कहते भी जरूर हैं। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम फेमिनिज्म का झंडा लेकर खड़ा होते हैं और हम औरत होना भूल जाते हैं या हम पुरुष की तरह रिएक्ट करने लगते हैं, एक्ट करने लगते हैं, पर इन सब चीज़ों के बावजूद जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं या हमारे हमारे मेंटल फ्रेम्स हैं ये जो हम बात कर रहे हैं, और वो किसी और ने हमारे लिए क्रिएट नहीं किया, हमने खुद क्रिएट करें, हम उसके बाहर जाना नहीं चाहते, उसके बाहर एक्ट नहीं करना चाहते, और इसीलिए हमारे सामने वो दुविधाएं खड़ी होती हैं जो हैं। तो उन दुविधाओं के बारे में भी कुछ वो बातचीत आपने बहुत, आपने एक्चुअली आंसर भी खुद ही दे दिया कि ये फ्रेम्स, और आपका बहुत फेवरेट विषय भी है फ्रेम्स, आई नो इट वेरी वेल। तो ये जो फ्रेम्स हैं ये हमने तय किए हुए हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स ये हैं कि शायद हम लोग बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं, बट शायद बाकी लोगों के परसेप्शंस में और एक्सेप्टेंस में वो बदलाव आना ज़रूरी है, उसकी थोड़ी सी ज़रूरत है, जो हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक विद सो मेनी वुमेन वर्किंग टूवर्ड्स इट, इट्स क्वाइट पॉसिबल। दुविधा से ज़्यादा आई थिंक बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन फ्रॉम थिएटर, बट एज एन ऑडियंस ऑफ थिएटर एंड एज अ पर्सन हु राइट्स थिएटर, और मैं रिपोर्ट करती हूँ अगर थिएटर, तो मुझे लगता है कि वो जो आस्पेक्ट्स हैं थिएटर के, जो एक वुमेन वहाँ पर अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग फेजेस और इमोशंस में, और बहुत सारे टास्क जैसे बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रगल्स होते हैं टाइम के साथ, देयर इज ऑलवेज अ रेस अगेंस्ट टाइम, रेस अगेंस्ट जेंडर, रेस अगेंस्ट इक्वालिटी, रेस अगेंस्ट एक्सप्रेशन, बट आई थिंक ऑल ऑफ दिस व्हेन वी सी एज एन ऑडियंस वी सी द ब्यूटी ऑफ दैट द एंटायर नैरेटिव, और वो आपको एक पूरा ग्रेडियंट दिख जाता है एक महिला के किरदार में, और वो उसकी खूबसूरती है। शायद आप क्योंकि डायरेक्टर्स हैं तो आपको आपको ज़्यादा पता होगा कि स्ट्रगल्स क्या हैं, बट द रिफ्लेक्शन इज़ वेरी पॉजिटिव
एंड इट्स ओमनी प्रेजेंट दैट मीन्स. सो आई थिंक दुविधा के बारे में जो राइट पर्सन हैं वो मेरे राइट और लेफ्ट में बैठे हैं. जी,